शिवपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14 लूटों का खुलासा कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लगभग 8 लाख रुपए का माल किया बरामद। पिछले दिनों चौकी सुनाई थाना करेरा निवासी सुभाष गुर्जर और उसकी भाभी के साथ बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा कट्टा उड़ाकर और गोली मारकर सोने की 2 अंगूठी, सोने का मंगलसूत्र आदि लूट लिया था। पुलिस अधीक्षक राजीव सिंह चंदेल ने उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब मंगला माता मंदिर के पास पहाड़ी ग्राम भैंसा मजरा दुर्गापुर पर दबिश दी तो 3 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हें पुलिस फोर्स की मदद से पकड़कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो तीनों व्यक्तियों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर करेरा पहुंची खोड़ शिवपुरी सुभाषपुरा अमोला कोलारस खनिया थाना पिछोड़ क्षेत्र में 14 लूट की घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से लगभग 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और घटना में प्रयुक्त 315 बोर का देशी कट्टा, 1 जिंदा राउंड और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। तीनों आरोपी दतिया और झांसी के निवासी बताए गए हैं। शिवपुरी ब्यूरो अतुल जैन की रिपोर्ट। आज बहुत अच्छी सफलता हमको अंतर्राज्यीय लूट गिरोह पकड़ने में मिली है, जिसमें हमारे शिवपुरी में पिछले साल भर से तकरीबन 14 लूटों का खुलासा हुआ है, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग थाना क्षेत्रों में किए हैं। जिससे मूलतः करेरा थाना, करेरा सब डिवीज़न में और पिछोड़ सब डिवीज़न में ज़्यादा वारदातें हुई, लेकिन कोलारस और शिवपुरी सब डिवीज़न की भी वारदातें हैं हमारी। इसमें अभी जब 5 तारीख को एक आखिरी लूट हुई थी, उसके बाद से हम लोगों को कुछ क्लू लगा था इस बारे में। उसके बारे में लगातार हमारे एडिशनल सी प्रवीण भूरिया, SDOP संजय चतुर्वेदी, TI सतीश चौहान और हमारे थाना प्रभारी अमोला संतोष भार्गव कुछ जानकारी निकाले, उसके बाद लगातार उस पर लगे रहे। इसमें कल हमको ब्रेक थ्रू मिला जब हमको इनके बारे में सूचना मिली कि ये संदिग्ध हालत में 3 बदमाश जो आइडेंटिफाई अलग अलग तरीक़ों से हो रहे थे कि ये वारदातों में हैं वो हैं, तो उनको फिर पकड़ा गया और उसके बाद में 3 और आरोपी पकड़े गए हैं। तो इनसे करीबन 8 लाख का सोने चांदी का सामान मिला है और इनमें से 2 व्यक्ति झांसी के हैं, 4 लोग दतिया के हैं। ये इनको कुल अभी 6 आरोपी हमने पकड़े हैं, इनमें 1 या 2 आरोपी दूसरे लूट कुछ लूटों में अलग 1-2 लोग भी आए हैं, उनको भी पकड़ना है। और इसमें अभी हम लोगों को 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, 1 मोटरसाइकिल जो घटना लूटों में जो माल मिला है उसको बेच के खरीदी गई थी वो पकड़ने में सफलता मिली। 8 लाख के सोने चांदी के जेवरात हैं और इस पूरी कार्रवाई में लगातार ये हमारे पुलिस टीम ने अच्छा काम किया है। ये सामान्यतः करते ये थे कि ज़्यादातर इनके लूट के जो टारगेट रहता था वो महिलाएं जो पीछे किसी की गाड़ी में बैठी हैं, तो वो कट्टा दिखाते थे और उसके जेवर उतरवा लेते थे, क्योंकि उनको रहता था कि जेवर तो मिल ही जाएंगे महिला है तो, और सामान्यतः सुनसान जगह की तलाश करते थे जहाँ पर मिल जाए। उसके बाद चोरी में चोरी की गई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अपराधों में करते थे, ताकि अगर कोई बात है तो वो मोटरसाइकिल भी 2 और 3 स्पॉटों पे हमको चिन्हित हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोरी की मोटरसाइकिलें थी, तो उनको फिर निकालने में पुलिस को दिक्कत आती है। लेकिन जब ये पूरी टीम बनाई गई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, तो लगातार काम किया। इसमें संतोष भार्गव का मुख्य सूचना एक मिली थी, जिसके बाद उसको डेवलप किया और हमारे थाना प्रभारी जो सुरवाया हैं रामेन चौहान, इनके साथ में अरविंद चौहान जो बैराड़ के हैं, और सतीश जैन थंडा चौकी प्रभारी, अंशुल गुप्ता खोड़ चौकी प्रभारी, हिम्मतपुर के हमारे चौकी प्रभारी जो हैं नितिन भार्गव, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की और इनकी टीम ने मेहनत करी है, जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और ये हमको अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ने में सफलता। महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।